अगर आप सोचते हैं कि गर्मी में स्किन ड्राई नहीं होता है तो मैं बता दूं ये कम्प्लीटली मिथ है, क्योंकि गर्मी में एयर कंडीशन बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई करता है और इसके साथ साथ बदलता मौसम, पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा हीट वेव्स हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। स्किन पोर्स स्वेटिंग से लॉक्ड हो जाता है और उसमें जर्म्स फंस जाता है और इसके वजह से तरह तरह के ब्रेकआउट्स जैसे एक्ने, पिंपल्स, ये सब कई लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कई तरीके की स्किन परेशानियाँ, रैशेज, ये सब बहुत ज़्यादा गर्मियों में परेशान करता है। तो कैसे आप अपने आप को गर्मियों में ये सारा परेशानियों से बचा सकते हैं, इसके लिए पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, आई एम श्योर आपको बहुत मदद होने वाला है। हाय, मैं मुनमुन आज कुछ आसान टिप्स एंड गाइडलाइंस लेके आपके पास आई हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनों के साथ ताकि बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा मदद मिले। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और आप कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। हर दिन का स्किन डैमेज का सीधा असर स्किन सेल्स पे होता है, तो आप कितना भी मॉइस्चराइजर एंड लोशन लगा लीजिए लेकिन एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। वीक में कम से कम 2 to 3 times आपको एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है। तो आप पूरा बॉडी स्क्रब ज़रूर यूज़ कीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फेशियल स्किन, आपको पूरा बॉडी पार्ट्स में एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है, अपने हाथ, पैर, फेशियल स्किन, पूरा बॉडी में। और उसके बाद आप शावर ले लीजिए 2 मिनट तक, आप कम से कम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में स्किन को एक्सफोलिएट कीजिए और उसके बाद आप शावर लें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे आपके सारे डेड स्किन्स निकल जाता है। गर्मी में एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होता है जिससे हम लोगों के स्किन पोर्स में बहुत ज़्यादा जर्म्स और डर्ट फंस जाता है और स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने, रैशेस, तरह तरह की प्रॉब्लम गर्मी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जो एक्चुअली वाटर बेस्ड हो या जेल बेस्ड हो एंड ऑब्वियसली उसमें pH बैलेंस्ड बरकरार हो। ये सब आप अच्छे से देख के समझ के तभी प्रोडक्ट खरीद लीजिए एंड उसके बाद आप क्लींजर यूज़ करने के बाद ज़रूर टोनर यूज़ कीजिए। इसमें भी आप अच्छा टोनर यूज़ कीजिए, वाटर बेस्ड टोनर यूज़ कीजिए क्योंकि टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्किन पोर्स को लॉक करता है और स्किन को जर्म्स फ्री रखता है, स्किन को रिफ्रेश रखता है। क्लींजिंग, टोनिंग एंड देन मॉइस्चराइजिंग, अच्छा मॉइस्चराइजर आपको ऑलवेज यूज़ करना चाहिए। पॉसिबल हो तो आप बीच बीच में स्किन मिस्ट यूज़ करें क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर स्किन मिस्ट अवेलेबल है। स्किन मिस्ट हमारे स्किन को प्लम करता है, रिफ्रेश करता है, तो आप कभी भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्किन मिस्ट भी थोड़ा दूर से स्प्रे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो भी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन को प्लम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे स्किन के जो पिगमेंट होता है उसको मेलानिन बोला जाता है और जब आप ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इसके कारण स्किन थोड़ा डार्क दिखने को लगता है और इसी को हम लोग टैनिंग बोलते हैं। टैनिंग से बचने के लिए आपको ऑलवेज धूप में निकलने के पहले एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले आपको अपने स्किन में अच्छा सा सनस्क्रीन ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में यूज़ करना चाहिए क्योंकि सनस्क्रीन ही आपको यूवी प्रोटेक्शन देता है। तो आपको ये अच्छा सा सनस्क्रीन चूज़ करें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके बैग में भी सनस्क्रीन होना चाहिए क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में 3-4 घंटे बाद सनस्क्रीन एप्लीकेशन करें क्योंकि हम लोग के यहाँ का बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तभी आप अपने स्किन को टैनिंग से बचा सकते हैं। अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो गर्मी में अपने लिए नेचुरल और नूड मेकअप्स को पसंद कीजिए क्योंकि गर्मी में नेचुरल और नूड मेकअप मोस्ट डिमांडेड इन फैशन रहता है। इसके साथ आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करें उसके साथ आप ज़रूर कॉम्पैक्ट पाउडर, बनाना पाउडर, ऐसा कुछ फेशियल पाउडर यूज़ करें जो आपको पैची स्किन होने से बचाता है। और अगर मैं लिप्स का बात करूँ तो गर्मी में आपको लिप्स के लिए लाइट लिप शेड्स चुनना चाहिए और उसके साथ आप जो भी लिपस्टिक्स या लिप बाम यूज़ कर रहे हैं उसमें SPF है ये आप देख के लीजिए। आई केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, तो आप जब भी घर के बाहर निकले ऑलवेज UVA UVB प्रोटेक्टेड सनग्लास ही यूज़ करें और ऐसा सनग्लास खरीदने के समय आपको सनग्लास के टैग में ही या उसके लेबल पे ही डिक्लेरेशन मिलता है कि हाँ ये पूरा संपूर्ण रूप से UVA UVB प्रोटेक्शन देता है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड का सनग्लासेस आपको मिल जाती है। अच्छा, इसके साथ अगर मैं आई केयर का बात करूं तो आपको बीच बीच में अपने आंखों को नॉर्मल पानी से धोना चाहिए और इसके साथ आप दिन में कम से कम 1 बार पोटैटो स्लाइस या ककम्बर स्लाइस को
गोल गोल काट लीजिए और स्लाइस करके आप उसको अपने दोनों आइस के ऊपर रखिए और उसको 10 मिनट तक रख के छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप जब उठेंगे तो आपको काफ़ी फ्रेश महसूस होगा। और ये वाला जो मैं फॉर्मूला बताई, इससे आपको आपके आइस को डार्क सर्कल से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। 2 to 3 times अ शावर इन अ डे इज़ अ वेरी गुड आइडिया इन समर। ये आपको काफ़ी रिफ्रेशमेंट देता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और आपको अनवांटेड बॉडी ऑर्डर से भी बचाता है। अगर आप ज़्यादा देर तक स्विमिंग पूल में रहते हैं तो याद रखिए, स्विमिंग के बाद आपको ज़रूर नॉर्मल वाटर से स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन रहता है जो आपकी स्किन को टैनिंग कर सकता है। और इसीलिए आपको स्विमिंग के बाद आप ज़रूर से नॉर्मल वाटर से स्नान करें, ये आपको टैनिंग से बचाता है। जल ही जीवन है, गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। 8 to 10 glasses पानी आपको दिन में कम से कम पीना चाहिए। और इसके साथ फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स, कम तेल मसाला वाला खाना, लस्सी, शरबत, ये सब आपको ज़्यादा लेना चाहिए। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आप मेरे समर हेल्थ केयर टिप्स वाला दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी सारा जानकारी एंड टिप्स एंड गाइडलाइंस मिलेगा जो आपको श्योरली बहुत मदद करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी मेरे अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड योर जिंदगी।